दिस इज टू गुड। यहाँ से स्पीति रिवर आ रही है, सतलज रिवर, और यहाँ पर संगम हो रहा है, इसलिए वो संगम ब्रिज था। अरे बाप रे, क्या खाई है यार ये साला। दिख नहीं रहा यार कुछ भी। तो भाई अभी पता लगा है कि यहाँ बहुत बड़ा वाला एक लैंडस्लाइड हुआ था, तभी जस्ट काम करके भाई निकाला है तो हम जा पा रहे हैं। वो देखो सामने फिर से एक जगह जहाँ तक ओ कुछ नहीं दिख रहा। आया आया क्रेजी, ऐसे कटे हुए थे, ऐसा लग रहा था कि जैसे अभी गिरेगा और इतने शार्प, और गिरे गिरेगा तो पार गाड़ी हो जाए कुछ भी हो सही। और लोग वहाँ पर इतने मतलब लीडर है, जबरदस्त काम कर रहे हैं यार। ऊपर ऐसा डरावना डरावना मंजर था, हमारी देख के फट रही थी, मेरे को लगा जल्दी निकलते यहाँ से। फिलहाल भाई हम बात ऐसी है कि हम लोग 12,500 फीट से नीचे उतर के आ चुके हैं, करीब 10,500 फीट में है। इस गांव का नाम है शलकर, शलकर गांव, और हमारा कुछ 87 किलोमीटर रह गया काजा, और 87 किलोमीटर का 2 घंटा दिखा रहा है, मतलब और बहुत सारा फन बाकी है। बने रहो ब्लॉग पे, अगर पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड अपने दोस्तों को भी शेयर कर दो जो कोई प्लान कर रहा है या जो ऐसे ट्रैवल ब्लॉग्स देखता है। अच्छा साइड में कर लेते हैं। पहुंच चुके हम लोग सुंदर विलेज, और सुंदर विलेज देखो कितना सुंदर है। अगेन माउंटेन्स, बिग माउंटेन्स एवरीवेयर, बट यार ब्यूटीफुल इट इज़। सो यहाँ से होती है स्पीति वैली शुरू, और सुमडो में आती है आपको कराना पड़ेगा एक बार एंट्री चेक पोस्ट पे। बट आपको दिखाता हूँ मैं मैप जो कि मेरे पीछे दिखा है, इसका एक बार स्क्रीन शॉट ले लेना अगर डिटेल्स चाहिए हुआ तो। सो हम लोग अभी वहाँ है, ये सुमडो है। सुमडो इज़ एट 3075 मीटर्स, फिर हुरलिंग 3151 मीटर्स, देन टाबो एट 3274 मीटर्स, फिर ऐसे फिर क्लाइंब हो जाएगा धनकर, एंड हम लोग को जाना है यहाँ तक आज काजा जो कि 3670 मीटर्स पे है। फिर उसके बाद हम लोग एक्सप्लोरेशन के लिए जो निकलेंगे वो जाएंगे कॉमिक, हिकिंग और लांगजा। इसके बारे में थोड़ा सा ज़्यादा डिटेल में जब हम जाएंगे तो मैं बताऊंगा, क्योंकि इनमें से एक है वर्ल्ड्स हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस विलेज एंड लॉट मोर डिटेल्स, तो हम करेंगे बाद में बात। और उसके बाद आगे का प्लान भी ऐसा ही है जो कि अगले एपिसोड्स में आता रहेगा। जो काजा से निकलेंगे हम जाएंगे कुंजुम, रोहतांग, लोसार, बादल होते हुए आगे जिस्पा की तरफ। बट बने रहिए, इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो अगर डिटेल्स चाहिए तो। वेलकम टू स्पीति वैली। तो भाई हमने एक घर टर्न ले लिया था, और यहाँ से हम आगे नहीं जा सकते। एक्चुअली यहाँ से जाने के लिए वो चाइना बॉर्डर चले जाता है, यहाँ से जाने के लिए आपको परमिशन चाहिए होती है। तो हमें नीचे जाके वहाँ से राइट मुड़ना है जो हमने मिस कर दिया था। तो वो जो ब्रिज है उस ब्रिज से हम गलती से यहाँ आ गए थे, गूगल मैप ने ऐसा सजेस्ट किया था। तो अब लेकिन हमें यहाँ से राइट जाना है जो कि सही रास्ता है टुवर्ड्स काजा। लोसर कुंजुम पास, कुंजुम पास इज़ 152 किलोमीटर, लोसर इज़ 132 किलोमीटर। भाई साहब सुन लो कि आगे का रास्ता काफ़ी नैरो है, और साइड में बैरिकेड या रेलिंग ऐसा कुछ भी नहीं है। अरे यार कार को क्रॉस करने में फट गई मेरी बहुत नैरो रोड है भाई नीचे देख के दिल दहल जा रहा है मेरा, धड़क धड़क दुक 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 ऐसे हो रहा है। अपना भाई सामने चला हुआ है, और यहाँ पर मेरे दिल का हाल बुरा हाल ध्यान नहीं दिया। सुमडो से अगर निकल गए हैं तो बीच में कोई नहीं था, अगर सुमडो से निकल गए हैं तो बीच में तो रास्ते में कोई नहीं था। तो भाई अभी जो भाई पूछ रहे थे ना, क्योंकि वो ढूंढ रहे अपने दोस्तों को, और यहाँ जब भी आओ एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि अपना जो गैंग है और अपनी जो पलटन है साथ में रखो यार, आसपास धीरे चलो, आगे पीछे होने की कोई ज़रूरत नहीं है। हेल्प अगर ज़रूरत पड़ सकती है हेल्प मिलेगा उनको, डोंट रश। और जो इतना नैरो रोड है, अगर कोई गाड़ी बाई चांस आ जाती है इट विल बी डिफ़िकल्ट हम लोग यहाँ से ऐसे पास कर पाएंगे। ये रास्ता रहता है क्लोज विंटर्स में क्योंकि यहाँ पर पड़ी रहती है बर्फ। देखो यार गजब का व्यू, नीचे स्पीति रिवर, और यहाँ पर एक ब्रिज है जहाँ से लोग उस विलेज से हाईवे पे आते हैं, मतलब इस रोड पे आते हैं। और
रही हूँ। अब बस 60 किलोमीटर रह गया है गाजा। सन अभी भी ऊपर है, 5:30 बज रहे हैं, बट ऐसा व्यू देख के रुक गया मैं आपको दिखाने के लिए, ज़रूरी था। नीचे बह रही है फिर अभी भी पीती रिवर, जो कि चलती रहेगी हमारे साथ अगले 2 दिन तक। ओह माय गॉड, दिस इज अमेजिंग। प्लेन के साथ आने से एक फायदा होता है कि आपके शॉट्स आते रहते हैं बराबर। ब्यूटीफुल व्यू, टाबो विलेज हम लोग क्रॉस करके आए, ये टाबो ब्रिज है और ये देखो बेहतरीन भाइयों, यहाँ हो रहा है सनसेट और यहाँ पर एक ब्यूटीफुल सा मॉनेस्ट्री है, ये देखो बेहतरीन, इतना सही लग रहा है चारों तरफ से माउंटेन, ये जबरदस्त है यार। ये कितना वाइड है, सडनली मोरे प्लेन्स आया विद मोरे प्लेन्स विद वेजिटेशन। तो भाइयों यार, गोप्रो ने कुछ ऐसा हाल कर रखा मेरा कि ऐसी जगह पे वो बंद हुआ, मतलब बैटरी है बट फिर भी वो बंद हो गया, ऑन होने का नाम नहीं ले रहा था। तो मैंने मिस कर दिया टाबो विलेज, अभी अभी टाबो विलेज गया है और वैली का व्यू देखो, यहाँ से जस्ट क्रॉस किया है और 45 किलोमीटर काजा के लिए बच गया है। 7:30 बजे तक अपन पहुँच जाएंगे, ये और हिमाचल की बस, आप इससे भी आ सकते हो काजा। जो संगम आया था तब से स्पीति रिवर चल रही है, करीब करीब 100-150 किलोमीटर चल चुके हैं उसके बाद से, स्पीति रिवर अभी इतनी करीब आई है। हाँ ये देखो, कुछ अलग ही दुनिया है यहाँ पर बस हुई, जो पांग वाली चीज़ें बहुत नज़दीक से देख रहे हैं, दिस इज़ डिफरेंट, व्हाट इज़ दिस, वेरी यूनिक और गजब है यार, नेचर हैज़ लॉट टू ऑफर। हाँ जाओ 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 जाओ, जयदीप भाई उड़ाते हुए गए, एंड इट मैं नहीं उड़ा सकता वैसे। अरे भाई साहब यहाँ देखो कितना स्टीप है, और मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है ऐसे टारमैक पे ना, कंकर बंकर पत्थर रहते, वो देखो जयदीप कहाँ निकल लिया, पूरा नीचे पहुँच गया, बहुत तेज़ चला रहा है। बट एनी वेज हम अपनी स्पीड से आराम से चलाएंगे, हम धीरे चलाते हैं, यहाँ तो सैडल करना बनता है। जयदीप भाई इंटरकॉम बता रहे हैं कि गिर गए यार। अच्छा स्किड हो गया क्या? हाँ आ रहा आ रहा, हाँ एक मिनट, चोट वोट तो नहीं लगी? मैं उस साइड से नहीं इसी साइड से उठाता हूँ। हाँ ठीक है, रुको रुको, हाँ MT6 साथ, जो कि मैं फिक्स नहीं कर पाया था, मुझे लग रहा था टायर का इशू होगा बट फिर भी अभी तक है वो इशू, तो इसलिए MT6 ऑफ करके मैं चल कर रहा हूँ। टाबो के बाद स्पीति का रास्ता काफ़ी फन है, सबका अपना अपना एक कैपेसिटी होता है फन का, उस हिसाब से ही फन करें, ज़रूरी है उतना। अच्छे रोड आ गया, चलो आराम चलाते हैं, बहुत सुंदर दिख रहा है, रिफ्लेक्शन आपको दिख रहा होगा, यानी मैं थोड़ा यहाँ आराम से निकलता हूँ। थैंक यू रुकने के लिए, एंड ये देखो सामने का बेहतरीन सा नज़ारा, पहाड़ों का नाम हम यार पता नहीं है, इतना याद रहता नहीं है, बट नज़ारे तो हम आपको भरपूर दिखाएंगे। सो भाइयों ये है चिलिंग विलेज और ये जंप, ऐसे जितने भी विलेज आते हैं ना इस रूट पे रहने की कोई दिक्कत नहीं होने वाली, जैसे कि आपको मनाली से लेह के बीच में होती है, वहाँ पर रह नहीं सकते, ऑल्टीट्यूड ज़्यादा है वहाँ पर और घर भी नहीं है, बट यहाँ पर काफ़ी सारे गांव हैं जहाँ पर होम स्टेज बने हुए हैं, तो आप रह तो कहीं भी सकते हैं यार, आप उस हिसाब से प्लान कर लीजिए। टाबो में एक्चुअली काफ़ी ज़्यादा है रहने की जगह, भाइयों हमारा राइड जो बचा है करीब करीब 20 किलोमीटर बचा है टू काजा, और हमें साइड में दिखा है इतना प्यारा सा वाटरफॉल, देखो ट्रक्स गई और ये हाल हो गया है,
कुछ भी दिख नहीं रहा है। और शेट, ये क्या है? ओह माय गॉड, बच गया करीब करीब 8 से 9 किलोमीटर। अगर अभी तक ब्लॉग पसंद आया है तो यार सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो और शेयर भी कर दो अपने दोस्तों को, शायद उनको हेल्प हो जाए अपनी प्लानिंग के लिए। सो भाई हम लोग काजा पहुंच चुके हैं और ये अपना भाई रोडक ब्लॉग्स, एंड यहाँ से व्यू देखो, 8:15 हो रहे हैं बट अभी भी स्काई लाइन देखो, एज इन थोड़ा सा आसमान में अभी भी लाइट है। सुबह ये कल पहुँचे, थोड़े थक गए थे, डिनर विनर किया मजे से और उसका थोड़ा सा एडिट करके सो गए, और आज सुबह सुबह उठ के आपके लिए ब्लॉग क्लोज किया जा रहा है। एनीवेज अगर ब्लॉग पसंद आया तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, शेयर भी कर दो। बहुत मज़ेदार फन राइड हुई थी, नाको का डिसेंट कैसा लगा बताओ? बहुत ख़तरनाक और बहुत डेंजरस था लेकिन मज़ेदार फन था। हमने देखा अपना भाई भी कैसे उड़ाते हुए गया, हम भी फटी फटी हाल में उड़ाते हुए गए जैसे तैसे, बट अगर मज़ा आया तो शेयर भी कर दो, सब्सक्राइब कर दो, एंड थैंक यू फॉर मेकिंग पार्ट ऑफ योर डे। हम मिलते हैं अगले एपिसोड में जो कि आज ही होने वाला है, बहुत सारा एक्सप्लोरेशन होने वाला है, यहाँ काफ़ी सारी चीज़ें होंगी, बने रहो, इंतज़ार करो अगले ब्लॉग का। तब तक के लिए मज़े करो यार, बाय बाय, टेक केयर।